गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू आरजे विजन प्राइवेट लिमिटेड एंड बिजी है इजी। ओके फ्रेंड्स, वी आर इन फर्स्ट इन गुजरात टू दिस प्रोवाइड अ वीडियो सॉल्यूशन फॉर नेट 2021। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोड P3 जो है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स दोनों होंगे, तो आप अपने पूरे पेपर चेक कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद फिजिक्स, तो हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट अपलोड होते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, now next is 35th question which is from work by energy. Here it is given that water is falling from the height of 60 meter at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The loss due to the friction force is 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? Okay, so students, yahan pe jo power hota hai, agar humko jaise aapko pata hai, so that is can be written as mgh/t. ठीक है ना, बिकॉज वॉटर इज फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट, सो दैट पोटेंशियल इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू काइनेटिक। वो आपको पता है जो किस तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स में प्रोड्यूस होती है, उसी के ऊपर का ये क्वेश्चन है। सो वॉटर इज फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट, सो दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी बाय टाइम इज बेसिकली पावर हियर। सो आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सो रेट इज 15 kg बाय सेकेंड, मतलब m/t इज 15, जी की वैल्यू 10 लें और जो हाइट गिवन है That is 60 meter. Okay, so 150 into 60, that is जो आंसर आएगा 9000, ये आपका approximately आंसर आएगा। अब इसमें से 10% of energy loss हो जाती है friction में, मतलब तो इसका minus जो इसमें से है 10% minus कर दो, ठीक है ना, इसमें से 10% आप minus कर दो। तो अगर आप 10% माइनस करते हो 9000 में से, सो इट इज अराउंड 8100 आएगा। तो 8.1 किलोवाट इज योर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ द चैप्टर ग्रेविटेशन। हियर इट इज गिवन दैट अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ v व्हिच इज इक्वल टू kve एंड द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन 1, मींस इट इज ओवरऑल जो वेलोसिटी है इट इज लेस देन दैट ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, मतलब जो बॉडी है वो एस्केप नहीं करेगी अर्थ में से। जैसे ये अगर अर्थ में से हम किसी को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो एस्केप नहीं करेगी, ठीक है ना, इस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल, कितने हाइट पे रीच करेगा। तो सर्फेस से कभी भी हम ऊपर जाते हैं तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हियर द वेलोसिटी इज वेरी लार्ज, सो उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा दैट इज एम जी एच अपॉन 1+h/r जितनी करते हैं, एंड विच इज इक्वल टू 1/2 mv². ठीक है, जो हम प्रोवाइड करेंगे, ये जो v है, ये जो v की वैल्यू है वो kve गिवन है, एंड द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन 1, दैट मींस दिस इज नॉट गोइंग टू एस्केप। ओके, और ve की वैल्यू आपको पता है दैट एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज √2gre। ठीक है, तो हम लोग अगर इस v की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये v की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं तो हमारा जो हाइट आता है rk² / 1 - k², ये फॉर्मूला बनेगी अगर h की वैल्यू आपने निकाल लोगे, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोटेशनल मोशन। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बट कुछ बच्चों को इसमें थोड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है। रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो पार्ट, जिस पार्ट के बारे में पूछते हैं उसी का आंसर याद होता है, इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। तो फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, तो ये एक सर्कुलर रिंग है स्टूडेंट्स। तो जो सर्कुलर रिंग का होता है उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है, इट इज mr² होता है। ठीक है, और इसमें से अ सेक्टर इज रिमूव्ड, कुछ पोर्शन को हमने सपोज रिमूव कर दिया और वहां पे बताया गया है कि जो रिमूव्ड पार्ट है वो 90 डिग्री का है, मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ये 90 डिग्री है, तो ये रिमूव्ड पार्ट है। तो ऑब्वियस बात है जो रिमूव पार्ट का होता है उसका भी आंसर ये सेम ही आता है, विच इज mr² ही आता है, लेकिन इसका जो रिमूव्ड पार्ट का जो आंसर होगा, बिकॉज ये 90 डिग्री है, मतलब टोटल 360 होता है, तो 90 इज 1/4, सो मास भी 1/4 हो गया होगा रिमूव्ड पार्ट का। ठीक है ना,
रिमूव्ड पार्ट का आंसर जो आएगा वो एम आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, बिकॉज जो टोटल मास था वो टोटल जो रिंग का था वो एम आर स्क्वायर था। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट का भी एम आर स्क्वायर ही होता है, लेकिन जो मास होगा वो एम बाय 4 होगा, क्योंकि टोटल मास एम है तो रिमेनिंग एम बाय 4 मास होगा, इसलिए ये आंसर आता है। अब ये रिमूव्ड पार्ट है, रिमेनिंग क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ रिंग इज k टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, ऐसा बोला है। तो इसका एम आर स्क्वायर बाय 4 है, तो इसको हटा दिया तो बचा कितना, 3 बाय 4 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू k एम आर स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 3 बाय 4। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। So next question is question number 44. This question is from motion in a plane, topic projectile motion, the combination है with motion in 1D. So a car start from the rest, accelerate at 5 meter per second square. So जो car है, it started motion from rest. तो हम ऐसा imagine करते हैं, this is car is moving and started at motion from rest. So u is 0. Acceleration of car is 5 meter per second square at 4 second. At 4 second, a ball is dropped out of the window. So window से सिर्फ ball को drop कर दिया है 4 second पे. यहाँ पे time 0 है, यहाँ पे time 4 second है. So v equal to u plus at लगाएंगे. तो u तो 0 है, rest से start हुआ है, a into t मतलब a 5 है, t आपका 4 है, तो 5 4 20, तो इस इंस्टेंट की उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 20 होगी। तो कार की वेलोसिटी 20 है जब बॉल को ड्रॉप किया है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो बॉल की वेलोसिटी है वो 20 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि वहीं पे वो ड्रॉप किया हुआ है 20। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट 6 सेकंड। तो ये 4 सेकंड तो हो गया है, अब 6 सेकंड मतलब इसके 2 सेकंड के बाद। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस देखें स्टूडेंट्स, सो सॉरी, अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस देखें हैं, तो हमको पता है इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है दैट इज गिवन बाय यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। तो यू तो 20 है, एक्स की वेलोसिटी तो इनिशियली जो प्रोवाइड की वो तो चेंज होगी ही नहीं, माइनस जी की वैल्यू होगा 10 लेते हैं टाइम, क्योंकि 6 सेकंड यहां से, तो वहां से तो 2 सेकंड ही हुए होंगे ड्रॉप के बाद, तो 2 सेकंड क्योंकि टोटल 6 सेकंड बोला है, तो ड्रॉप के बाद का 2 सेकंड हुआ होगा, ठीक है ना। तो 10 into 2 तो ये 20 जे कैप हो जाएगा। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 20√2 आएगा। सो एंड as it is a case of dropping, ball को drop कर दिया, it is now the case of motion under the gravity, so जो acceleration है वो gravity ही जितनी ही लगेगी, so 20√2 and 10 meter per second square, which is an acceleration acting on this ball, so ये answer है, velocity is 20√2 and acceleration is 10 meter per second square. Now student, next question is basically from topic Newton's law. That a ball of mass 0.1 kg is dropped from the height of 10 meter, it strikes ground and rebound to the same height. अब अगर students, अगर कोई ball को हम drop करते हैं, u 0 है, और अगर वो rebound होके उसी height पे जाता है, that means it is a case of elastic collision. अगर वो elastic collision का case है, तो जैसे वो ground को hit होता है students, तो उसकी velocity downward, just before hitting the ground, its velocity comes out to be under root of 2gh, because ये हमको पता है जब हम ball को drop करते हैं तो velocity of ball when it reach the ground is under root of 2gh. This formula we can derive with the help of v square minus u square is 2as. Now अगर यहाँ पे 2g और h लेते हैं हम, तो ये height आपको जो दी गई है 10 meter की दी गई है height, ठीक है। So 10 meter, g की value अगर 10 लेते हैं तो 10 tens 100, 2s 200. 200 के नियर बाय एक परफेक्ट स्क्वायर आता है 196, मतलब अगर g की वैल्यू 9.8 लोगे तो अंडर रूट ऑफ 196 आएगा, तो ये वेलोसिटी 14 हो जाएगी, दैट मींस माइनस 14 j कैप मैं लिख देता हूं, दिस वेलोसिटी व्हिच इज अ इनिशियल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इलास्टिक कोलिजन हुआ है क्योंकि वो उसी हाइट पे गया है, तो जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्शन खाली उसका चेंज हुआ होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो जो फाइनल वेलोसिटी है
दैट इज 14 जे कैप होगा क्योंकि वो उसी हाइट पे गया है. सो द चेंज इन वेलोसिटी हुई है, दैट चेंज इन वेलोसिटी इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. नाउ व्हाट इज फाइनल? फाइनल इज 14 जे कैप माइनस इनिशियल इज माइनस 14 जे कैप. सो आंसर कम्स आउट टू बी 28 जे कैप इन द दिस इज चेंज इन द वेलोसिटी. हमको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स. सो स्टूडेंट्स, इंपल्स को हम चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं. सो चेंज इन मोमेंटम अगर आप देखोगे तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी कर दो. सो चेंज इन वेलोसिटी को 28 मास को 0.15 को चेंज इन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो 28 जे कैप से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा. दिस 15 इज अ 4.2 के करीबन ही आंसर होगा आई थिंक, बराबर है ना? हाँ, 15 3 is 45, 44.2 आ जाएगा. 15 3 is 30 करेंगे तो approximately 4.2 kg. ये वेक्टर फॉर्म में आंसर है. यहाँ से मैग्नीट्यूड में आंसर दिया है. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. तो सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का है. नेट टॉर्क जीरो को बैलेंस टॉर्क का है कि जिसमें इक्विलिब्रियम है. तो नेट टॉर्क जीरो होगा. उसके ऊपर क्वेश्चन है, दिस इज वन बीम इज गिवन विच इज बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर. टोटल लेंथ ऑफ बीम इज 200 सेंटीमीटर. ओके, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ बीम लाय एट सेंटर. तो सेंटर पे अगर वो सेंटर ऑफ मास लाय करता है तो यहाँ पे इसका mg बैलेंस होगा. क्या लिख देते हैं अपने यहाँ पे? नाउ, एज इट इज बैलेंस, सो जो नेट टॉर्क होगा वो जीरो होगा. अब हम डायरेक्शन सेंस अगर ले लें तो सपोज हम आउटवर्ड को प्लस साइन ले लेते हैं और इनवर्ड को माइनस साइन ले लेते हैं सपोज. ठीक है, सो सबसे पहले तो टॉर्क ये यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, तो इसी को अगर रेफरेंस पॉइंट लूं, जो 2 केजी वेट है वो उस डायरेक्शन में, मतलब उस डायरेक्शन में, तो आर क्रॉस एफ टॉर्क बाय 2 केजी वेट ऐसे होगा इस आउटवर्ड डायरेक्शन में. सो आउटवर्ड इज प्लस, सो आर कितना हो जाएगा? 40 से 20, दिस इज 20 और एफ नीचे 20 लगेगा. ठीक है ना? सो आउटवर्ड को अपन ने प्लस लिया है, सो दिस इज 2g, मतलब 2g और ये है 20. फिर माइनस दूसरा जो वेट लगेगा इसका टोटल मास लगेगा. टोटल मास कितना दिया है? 500 ग्राम, मतलब 0.5 केजी. और ये कहाँ पर होगा? 100 सेंटीमीटर पे होगा. 100 सेंटीमीटर पे होगा तो वो यहाँ से 60 होगा, बराबर. ये 40 है तो यहाँ से 60 होगा, तो 60 होगा. तो माइनस यहाँ पे 60 इंटू एम विच इज 0.5 इंटू जी. क्लियर? दूसरा ये है, यहां से अगर बैलेंसिंग से देखें तो ये 160 पे है, तो 40 मतलब ये 120 होगा. तो माइनस, क्योंकि ये भी डायरेक्शन इनवर्ड होगा, आर क्रॉस एफ इनवर्ड होगा, तो माइनस 120 मास एम इनटू जी एंड नेट टॉर्क इज जीरो. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमको सॉल्व. सो 2g दिस कैन बी रिटन एज 2g इनटू 20 इक्वल टू दिस इज 30 जी प्लस 120 mg. तो आप बच्चे इसको सॉल्व कर लो तो आंसर m इज इक्वल टू 1/12 आ जाता है. हम सॉल्व करेंगे 1/12 सॉल्व करेंगे. तो ये है ऑप्शन नंबर वन इसका, 1/12 kg. नोट कर लो. Now, so next question is from a motion in a plane, projectile motion. Question simple है, खाली यहाँ पे कुछ बच्चों को tricky लगा होगा, but it's very simple question. A particle is moving a circle of radius r with a uniform speed, takes a time t to complete a one revolution. So देखो क्वेश्चन, अगर हमको पता है one revolution का जो omega होता है, that is theta, one revolution मतलब 2π, time taken to complete one revolution is capital T, and we can say that v is equal to r omega. तो यहाँ से speed पता चल जाएगा हमको. So v equal to r omega मतलब 2π r/t. तो ये स्पीड हमको पता चल गया. सो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है
इस वेलोसिटी से, आप समझे, और उसकी जो मैक्सिमम हाइट आ रही है दैट इज इक्वल टू 4 आ रही है। आर रेंज नहीं है, कुछ बच्चे रेंज समझ लेंगे, रेंज नहीं है ये, वो रेडियस ही है ये आर ओमेगा का, ठीक है। सो यहाँ पे जो एच है इज इक्वल टू 4 आर होगा स्टूडेंट्स, h इक्वल टू 4 r, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 4 r। मैक्सिमम हाइट की जो फॉर्मूला होती है वो आपको पता है, दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g होगी फॉर्मूला, व्हिच इज इक्वल टू 4 r। ओके, यहां पे जो आपको u स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी विद दिस इज इक्वल टू v, ये गिवन है, तो उसको अगर हम स्क्वायर करके रखते हैं तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो यू स्क्वायर की जगह वो पुट कर दिया है, ठीक है, और इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू 4 r। तो यहां से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये 8gr हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये कैन ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे डायरेक्टली, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, टी स्क्वायर इनटू 2g टी स्क्वायर न्यूमेरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में होगा पाई स्क्वायर आर, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आया तो साइन थीटा अंडर रूट में आएगा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर द होल रेस टू हाफ। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।